आप कैंटीन से शराब ला के दे सकते हो उसको, चिस्कोच नहीं ला के दे सकते। इतनी जबरदस्त लॉबी है ये ब्यूरोक्रेसी जो है कि डिफेंस के ऑब्लाइज करते हैं डिफेंस वाले इनको, उनकी मजबूरी होती है कि जो प्लानिंग बना के दे दी जाती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। पैसे की कमी नहीं है, ये कमी है एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने का, कि रिप्रेजेंटेशन ही प्रॉपर नहीं जा रहा है, जा रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया जा रहा है। और नेता लोग क्या है कि वो इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। जब हमारे खुद जवान, हमारी कितनी संस्थाएं चली हुई है, मैं पहले बहुत पहले से फेवर हूं उसको बाद में करूंगा, डिफेंस मिनिस्टर से जब डायरेक्ट मीटिंग हो गई, डिफेंस सेक्रेटरी से मीटिंग हो गई, पीएमओ में मीटिंग हो गई, रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया, अपनी डिमांड दे दी गई, तो हमें पूरी ये आशा थी कि ओआरओपी में हमारे साथ जो भी कमी रह गई है शायद सेवंथ पे कमीशन में उसमें सुधार हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ। स्लैब बनी हुई थी उसको परसेंटेज बना दिया गया, जो डिसेबिलिटी में अंतर आना था वो और ज्यादा आ गया, सेम एमएसपी का हो गया, जो एक एमएसपी एक फैक्टर है जो हम सबके लिए एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग सर्विंग, सर्विंग तो मुंह खोल नहीं सकता है, ये हमारे बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं ये अपने लिए नहीं लड़ रहे, हमें धन्यवाद देना चाहिए इन लोगों का, ये तो हमारे लिए क्या उन पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं जो आज फौज में हैं और कल को बाहर आने वाले हैं, वो तो बेचारे बोल नहीं सकते, इनको जरूरत नहीं है, इनके बच्चे बहुत अच्छा की सेवा कर रहे हैं, इनके पास बहुत कुछ मिल रहा है, उसके बावजूद भी आज यहाँ बैठे हैं और हमारे पास समय नहीं है। आज संडे है, मान लिया वर्किंग डे में लोगों के पास टाइम नहीं था, क्या आज लोग नहीं आ सकते थे? दिल्ली में अभी एक डाटा बताया रामफल साहब ने, 5 लाख लोग मिनिमम जो है सर्विस में या दिल्ली में रहता है, क्या वो 2 घंटे के लिए 4 घंटे लेके संडे को नहीं आ सकते, जब ये हमारे भाई पंजाब से आ सकते हैं? मैं कह रहा हूं अगर हमें वो और फिर कुछ परसेंटेज अंश मिला तो ये केवल इन भाइयों की बदौलत मिला, हम सबको इस बात के लिए आभारी होना चाहिए। अगर ये भाई हमारे बीच में नहीं होते, मैं लिख के दे रहा हूं, कुछ नहीं मिलने वाला था हमको, कुछ नहीं मिलने वाला था, जो थोड़ा बहुत मिला है वो इनकी वजह से मिला है। और आज ये पंजाब से आकर के इतनी हिम्मत दिखाते हैं जो आज ये दिखा रहे हैं, और हम सब लोग क्या कर रहे हैं कि मैं दिल्ली में रह रहा हूं, जो दुख हो रहा है, इसलिए मेरी वर्किंग डेज में तो मजबूरी हो सकती है मैं मानता हूं, लेकिन बाकी आज तो संडे था, सबके पास काम है, कौन फ्री है? कि आपके पास काम नहीं है क्या? आप उसी दिन से बैठे हो। भाई सतवीर अपना काम छोड़ के आया, मैडम आई है साथ में, मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सबकी तरफ से उनका। देखिए हमें सैल्यूट करना चाहिए ऐसे जज्बे को, उन भाइयों को सैल्यूट करना चाहिए जो आज चल नहीं पा रहा है प्रॉपरली, विकलांगता है उसको, देश के लिए उसने अपनी कुर्बानी दी है, उसके बावजूद आज हमारे लिए बैठे हुए हैं, ये सब हम सबके लिए बैठे हुए हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। लेकिन हम किस पे लड़ रहे हैं कि मैं उस पार्टी से हूं, मैं उस पार्टी से हूं। मैं बहुत कम समय लूंगा, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक बात और भी रखी थी मैंने, उस बंदे ने मेरा समर्थन नहीं किया। हम जितनी बार मीटिंग करने गए, शायद पुरुषोत्तम जी साथ में थे और आई थिंक राजा राम सोनी साहब कोई उनमें से थे, तो हमको क्या बोला डिफेंस सेक्रेटरी ने कि साहब आपकी इतनी एसएम बनी हुई है, रोजाना 10 रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, हम किस किस को ध्यान दें? जबकि ऑफिसर जो लोगों की मैं बता रहा हूं लड़ते हैं, कोर्ट केस हो रहे हैं, फिरौनों के उनका केस हो रहे हैं, अरेस्ट हो रही है, अफसर लोग 420 में फंड का मिसयूटिलाइजेशन किया है उन्होंने मिस एप्रोप्रिएशन के ऊपर, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन जाती है उनकी वो एक जाती है, एक जाती है, राज्य का ध्यान और सत्यवीर रोजाना आपने सामने लड़े, लेकिन जब गवर्नमेंट के पास जाना होता है वो अकेला जाता है, अकेला। ये सबके सामने है ना, मैं भी गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? ये श्रीमान जी की अगली एसएम है, इनकी अलग है, इनकी अलग है। मेरा पहले से ये कहना था भाई, अपना अपना रखो, अपना अपना काम करो, क्षेत्र में काम करो, सब जगह काम करो, एक सेंट्रल बना लो जिसकी वजह से अगर रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को जाना है तो उसके थ्रू जाए, ताकि उसमें वजन हो। 50 आदमी जाइए उसका तो कुछ वजन हो, लेकिन कोई आदमी नहीं मानता। मेरा ये सुझाव है, अगर किसी भाई को पसंद आए तो जरूर इसको इम्प्लीमेंट करने की सोचो, लेकिन नहीं मानते। मैं समझा, ये तो मेरा हो गया, अब तो मैं नेता हो गया ऑल ओवर इंडिया का। अरे भाई अच्छी बात है, तुम्हारे पास समय है, नॉलेज है और तुम वेलफेयर का काम करना चाहते हो जवानों के लिए, करो, हम सब साथ हैं आपके, करो, लेकिन अकेले करते हो वहां गड़बड़ हो रही है। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 50 ESM बनी हुई है भाई, कोई दो राय नहीं है ना, और 1365 इतनी ESM रजिस्टर्ड है आज, और इतने रिप्रेजेंटेशन जा रहे हैं रोजाना। हमारे भाई रामपाल साहब ने बहुत अच्छी बातें कही, दिल्ली के रहने वाले हैं, मुझे दुख हो रहा है, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ।